वी नो दैट एवरी टाइम वी हेयर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस कॉलेज और हम लोग जितनी बार भी SNDT आए हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है एंड टुडे वॉज एक्सेप्शनली गुड. बहुत अच्छा लगा. और मैं कुछ 5-6 साल पीछे चली गई, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई मीन मैं अपने कॉलेज टाइम और सारी चीज़ें याद करने लग गई थी एंड द गर्ल्स आर सो गुड हियर. उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम तो किया लेकिन यहाँ की जो सारी लड़कियाँ थी वो इतनी जोश और इतनी रॉकिंग थी, हर चीज़ पे उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था. हमें भी बात करना बहुत अच्छा लग रहा था. जो सीनियर्स थे वो उन्हें अपने अपनी पदवी किसी और को देकर जाना था, डेफिनेटली इट्स किसी को अच्छा नहीं लगता है. बट ग्रेट मोमेंट, उनके साथ एक यादगार एक मौका ऐसा रहा एंड स्पेशली हमारा जो ये नच का सफ़र और यादगार रहेगा क्योंकि ये जर्नी हमारी बहुत यादगार थी. 3 महीने हमने इस शो को जो दिए और जिस तरह से शुरुआत हुई ये भी अब एक हिस्सा बन चुका है हमारा. तो आई जस्ट वांट टू से दैट के वापस हम आपको मिलना ज़रूर चाहेंगे. जिस रीज़न से हम आए हैं उस में बस कामयाब रहे और जैसे भी आगे बढ़े हम ज़रूर SNDT आना पसंद करेंगे बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर ऑल, आई मीन इंडिया की तो सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, है ना नंदिश? एब्सोल्युटली, पूरी दुनिया की लड़कियां अच्छी हैं. रश्मि, कहीं ना कहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप यहाँ पर आए, तो कोई थकावट लगी है मैच में? हाँ, मैं घर में थी तो ऐसे थी, मैंने बोला मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बट गुड आई केम हियर बिकॉज मुझे यहाँ आने के बाद आवाज़ नहीं निकल रही थी. बट अच्छा लगा बोलना और बोलते बोलते रियलाइज़ किया कि थोड़ा बेटर भी फील कर रही हूँ और जो ये आवाज़ मेरी जो निकल नहीं रही थी थोड़ी थोड़ी सी अब बोलने लग गई. सो आई एम फीलिंग नाइस, गुड आई केम हियर. अच्छा, यहाँ पर आकर बचपन की यादें ताज़ा हुई है, कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहिए बचपन में? ऐसे यू नो हमारे भी बहुत सारे ऐसे फैन मोमेंट्स हुए हैं जहाँ पर कॉलेज में कोई ना कोई आते थे जो सेलिब्रिटीज़ थे एंड वी वेंट बैक इन टाइम. और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं सोचता रहता था कि बात करूं नहीं करूं उनसे जाके और उसी सोच में ही वो वक्त निकल जाता था. बट नाउ आई रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़. कई बार लगता है कि लोग क्यों आते हैं कॉलेज में मिलने, क्यों आए हैं, या स्कूल का या कॉलेज का टाइम उसमें ख़राब हो रहा है. बट आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ फॉर दी स्टूडेंट्स एंड फॉर दी पीपल हु आर कमिंग देयर एज गेस्ट्स. उनको इतना एनर्जी मिलता है बाकी सब लोगों से दैट यू रियली फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड. तो वही मेरे साथ भी होता है जब भी मैं ऐसे कॉलेजेस में आता हूँ, तो इट इज़ दैट एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम ऑल दीज यंगस्टर्स फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स के हमको और मेहनत करने पर मजबूर कर देता है. अच्छा, नजबलिया की बात करें तो जब से सफ़र शुरू हुआ और अभी आप फाइनल में है, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का सफ़र था, है कितनी मज़ा किया आपने और अभी कितनी नर्वसनेस है ट्रॉफी को जीतने के लिए? हमारा जर्नी नजबलिया का बहुत अच्छा रहा और मैं पहले परफॉर्मेंस के लिए जब स्टेज पे जाने पे जितना नर्वस था, जितना मैं यू नो डरा हुआ था, नर्वसनेस थी, उससे ज़्यादा नर्वस अब हूँ मैं फिनाले में स्टेज पे जाने में. बीच में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था कि मुझे पता था हर वीक परफॉर्म करना है, कोई ऑप्शन नहीं है. बट अभी जब फिनाले जैसे जैसे करीब आता जा रहा है तो उतनी नर्वसनेस और बढ़ती जा रही है. सो आई जस्ट होप कि ये नर्वसनेस एक पॉजिटिव तरीके से मैं यूज़ कर सकूँ, उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके स्टेज पे एनर्जी के तौर पे उसको यूज़ कर सकूँ. सो लेट्स सी. आखिर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, अभी मतलब पहले से लेकर अभी तक के सफ़र में कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपके जहन में रह गया और यादगार है आपके लिए? अब जो फाइनल में हम लोग ये जो जर्नी है मतलब आखिरी एपिसोड तक अब ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है, तो अब जब हम आगे के जो सारे परफॉर्मेंसेस करेंगे वो शायद सारे यादगार रहेंगे क्योंकि शुरुआत में हम बहुत नर्वस थे. जैसे इन्होंने कहा कि नर्वसनेस के साथ एक पॉजिटिविटी भी है, तो अब और जी जान से मेहनत करते हैं, अब ज़्यादा दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा शो ही हमारे लिए यादगार बना रहे. I just want to thank Dr. Sanjay Pawar जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए परमिशन दी एंड वी रियली रियली ऑनर्ड दैट हम लोग यहाँ पर आ पाए और इस कॉलेज का हिस्सा बन पाए एंड वी वुड लव टू कम बैक हियर अगेन एंड अगेन. थैंक यू सो मच.